स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। मैं हूं शिव कुमार यादव। इस वीडियो में हम AU एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 के BSc कोर्स की प्रिपरेशन में आज आपको फिजिक्स का पार्ट वन समझाएंगे। फिजिक्स के वो प्रश्न हमने यहां पर लिए हैं जो BSc एंट्रेंस एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं या फिर इनके पूछे जाने की संभावना प्रबल है। तो हमारा चैनल जो है BSc के फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स और यहाँ तक कि बायो की जो वीडियोस है वो आपको प्रोवाइड कराएगा। बस आपको करना क्या है, जो मैं क्वालिटी कंटेंट आपको दे रहा हूँ इसका एक नोट्स बना लीजिए। जब एग्ज़ाम आपके 10 या 15 दिन बाकी रह जाएंगे तो मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराऊंगा, और अगर आप ये क्वेश्चन तैयार किए रहेंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये बात आप विशेषतः ध्यान दीजिएगा। हम लगभग 400 के करीब फिजिक्स और 400 के करीब केमिस्ट्री और 400 के करीब ही आपको बायोलॉजी के क्वेश्चन समझाएंगे। तो इस तरह से आप पूरे क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करिए, जो एक वीडियो में बताया जा रहा है उसको उसी दिन तैयार कर लीजिए तो आपका ये इंटेंस ज़रूर क्लियर होगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न लेते हैं। हमारे सामने प्यारे बच्चों पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, दाब का विमीय सूत्र है। चार ऑप्शन यहाँ पर हैं आपके पास, इसमें से कौन सा दाब का विमीय सूत्र है। तो देखिए मैंने यहाँ पर सॉल्व किया इस चीज़ को। दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। तो इस फार्मूले से देखिए दाब को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर इस तरह से ब्रैकेट में हम पी लिख देंगे तो इसका मतलब दाब का विमीय सूत्र, तो बराबर होगा बल के विमीय सूत्र के। तो बल का विमीय सूत्र आप सभी को पता होगा MLT-2, और क्षेत्रफल का विमीय सूत्र L2। तो जब ये L2 ऊपर जाएगा तो उसमें से इस एक में से 2 को घटाओगे तो -1 बचेगा, इसलिए MLT-2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर दिख रहा है और यही करेक्ट हो जाएगा। तो दाब का विमीय सूत्र ये होगा और उसका सोल्यूशन आपके सामने यहाँ पर ये है, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों हमारे पास जो दूसरा प्रश्न है, संवेग तथा बल में संबंध है। संवेग तथा बल में संबंध है, इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा इसे जानने के लिए ध्यान दीजिए। बल बराबर संवेग परिवर्तन की दर आपने न्यूटन के गति के नियम के चैप्टर में पढ़ा था, तो बल की जगह बल और संवेग परिवर्तन को Δp और दर मतलब Δt समय से हमने यहाँ भाग दे दिया, तो इसको इधर कर दिया, डेल्टा हटाकर टी ले रखा क्योंकि वहाँ पर डेल्टा कहीं नहीं दिख रहा है तो हमने टी इधर कर दिया। तो एफ गुणते टी बराबर Δp, Δp मतलब संवेग परिवर्तन, संवेग परिवर्तन मतलब अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। अब आगे देखिए प्यारे बच्चों ये वही है, संवेग का फार्मूला होता है द्रव्यमान गुणते वेग, चूंकि अंतिम संवेग है इसलिए द्रव्यमान गुणते अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक संवेग है इसलिए द्रव्यमान गुणते प्रारंभिक वेग। तो इस तरह से हमारा ये यहाँ पर सोल्यूशन मिल गया। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इस बात को प्रूव कर रहा है, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 2 का चौथा ऑप्शन सही है और उसका ये सोल्यूशन है। नंबर नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखा है, एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के तुल्य होता है। आपके पास यहाँ पर कई ऑप्शन हैं, तो प्यारे बच्चों इसमें आपको कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ आपको याद रखना है कि एक प्रकाश वर्ष की वैल्यू 9.46×10^15 मीटर होता है। और इस तरह से दो प्रश्न आप और जाकर मापन वाले चैप्टर से लेकर याद कर लीजिएगा, नोट्स में लिख लीजिएगा, प्रकाश वर्ष का मान, खगोलीय मात्रक का मान और पार्सिक की वैल्यू, ठीक है। इन तीनों वैल्यूज को याद रखिए, इससे क्वेश्चन बन ही जाते हैं एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं। तो अगला चौथा प्रश्न है, किसी पदार्थ का वह केंद्र जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है कहलाता है। मतलब कोई पदार्थ है उसका कौन सा केंद्र, वह केंद्र जहाँ उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है वो कहलाता है, दोलन केंद्र कहलाता है कि निलंबन केंद्र कहलाता है, द्रव्यमान केंद्र कहलाता है तो गुरुत्व केंद्र कहलाता है। तो एक बात ध्यान दो मेरे प्यारे बच्चों, यदि ये बोला गया होता किसी पदार्थ का वह केंद्र जहाँ उसका संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता तो वो उसका द्रव्यमान केंद्र बोला जाता, चूँकि ये बोल रहा है उसका भार जहाँ केंद्रित होता है तो भार शब्द गुरुत्व से ही रिलेटेड है, इसलिए वह केंद्र क्या बोला जाएगा बच्चों, गुरुत्व केंद्र। इसमें बिल्कुल कन्फ्यूज ना हो। चले नेक्स्ट वाला देखते हैं, लिफ्ट के अंदर के आदमी का भार अधिक होगा जब, फर्स्ट नंबर लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित हो रही है, लिफ्ट नीचे की ओर त्वरित हो रही है, लिफ्ट स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही है, ऊपर जाते समय लिफ्ट का वेग कम हो रहा है। इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इस प्रश्न के लिए सही बैठता है।
तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो उसमें गुरुत्वीत्वरण और साथ ही साथ आपका जो है उस लिफ्ट का त्वरण जुड़ता है, इसलिए हमारे पास पहला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित जब होगी तो उसमें बैठे आदमी का भार अधिक नजर आएगा, ये बात आप सब लोग ध्यान दीजिएगा। नंबर छठवां, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? विद्युत धारा, तो आप सभी ने पढ़ा होगा विद्युत धारा एक अदिश राशि है। भार, चूँकि भार की परिभाषा होती है पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है उसे उस वस्तु का भार कहते हैं, जिस बल से आकर्षित करती है उसे भार कहते हैं, मतलब भार एक बल है और बल सदिश राशि है तो भार भी सदिश राशि हो जाएगी। ताप और चाल अदिश राशि है, पहले से आप सभी को पता होगा। श्यानता की एसआई इकाई है, इकाई मतलब बच्चों मात्रक, तो पॉइज होता है कि पास्कल होता है, पॉइजुली होता है कि इनमें से कोई नहीं, पास्कल तो दाब का मात्रक हो गया, इनमें से कोई नहीं इसमें अभी हम कुछ कह नहीं सकते, पॉइजली श्यानता का मात्रक होता है, पॉइज भी श्यानता का मात्रक होता है, सवाल यह है कि कौन सा सही होगा, तो एसआई में आपका कौन सा मात्रक सही हो जाएगा, पॉइज, पॉइजली आपका सीजस मात्रक होगा श्यानता का। हमारा अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, जड़त्व आघूर्ण है क्या है, सदिश राशि या फिर अदिश राशि, सदिश तथा अदिश दोनों है या फिर टेंसर। तो देखिए जड़त्व जो आघूर्ण है उसको पूर्ण रूप से ना तो हम परिमाण से मतलब परिभाषित कर पाते हैं और ना ही पूर्ण रूप से परिमाण और दिशा से परिभाषित कर पाते हैं, तो वे सभी राशियां जो परिमाण और दिशा से पूर्णतः परिभाषित नहीं होती हैं ना तो वो अदिश कहलाती है और ना ही सदिश कहलाती, उनको एक नया नाम दिया गया टेंसर राशि, ठीक है, हिंदी में से हम प्रदिश राशि भी कहते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे सामने अगला प्रश्न है, किसी गेंद को 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 9.6 मीटर ऊंची एक इमारत से की छत से अनुप्रस्थ मतलब ऊपर नीचे से अनुप्रस्थ परिक्षेपित किया जाता है, वह गेंद धरातल तक पहुंचने में क्या समय लेगी, मतलब छत से नीचे गिराया जा रहा है तो क्या समय लेगी जब वो मतलब धरातल पर गिरेगी, तो चूंकि छत से जब गिराए हो तो उस समय तो वो मतलब विराम में ही था तो प्रारंभिक वेग 0, तो यस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर एक फॉर्मूला होता आप सबको पता ही होगा, तो जो वो धरातल पर गिरेगी तो कितनी दूरी तय करेगी, 19.6 मीटर, तो हमने इसकी जगह लिख दिया, यू की जगह यहाँ 0 रखोगे तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, 1/2 अपनी जगह, जी का मान 9.8 होता है और टी हमको ज्ञात करना है, तो अब प्यारे बच्चों 0 से कोई मतलब है नहीं, 2 जाकर इससे गुणा करेगा तो 19.6 गुणते 2 और ये आपका इसके नीचे आ जाएगा, तो टी स्क्वायर बराबर ये चीज़ आया, इसका भाग देंगे तो 2 बढ़ जाएगा और 2 दूना कितना होता है 4, तो टी की वैल्यू कितनी आएगी 2 सेकेंड। तो इस प्रश्न का जो यहाँ पर दिया गया है, इस प्रश्न का ये सलूशन है और ये आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये आपका प्रश्न है, ये आपका ऑप्शन करेक्ट है और ये उसका सलूशन है। तो चलिए अब अगला देखते हैं, 10वां प्रश्न, प्रकाश वर्ष मात्रक है द्रव्यमान का, ऊर्जा का, समय का, दूरी का। तो कुछ बच्चे वर्ष देखकर प्रकाश वर्ष को समय का मात्रक मान लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, प्रकाश वर्ष एक्चुअल में क्या होता है, निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में जितनी दूरी तय की जाती है वही प्रकाश वर्ष कहलाती है, तो वर्ष में दूरी तय की जाती है तो इसका मतलब प्रकाश वर्ष का किसका मात्रक होगा, दूरी का मात्रक होगा, प्रकाश वर्ष मात्रक दूरी का है, पार्शिक दूरी का मात्रक होता है और आपका खगोली मात्रक भी दूरी का ही मात्रक होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।